Doing good. कैमरा बंद करो प्लीज, कैमरा बंद कीजिए प्लीज, कैमरा बंद करा। कैमरा बंद करो प्लीज। इकडे का तो कैमरा का सिंबल है बघा ना, विजय सर, विजय सर तो कैमरा का सिंबल है ना। हाँ हाँ बंद वाला पांच मिनट रुकेंगे, थोड़ा लोगों को ज्वाइन करने दो, फिर क्लास चालू करते हैं। टाइम देते हैं अपन चालू के लोग ना कैमरा। स्क्रीन को बड़ा कर लेना, तीन डॉट है ना खाली, तीन डॉट ला एस ला तुम्हें तीन डॉट ला क्लिक करून फुल स्क्रीन करा, मैं तुम्हारा व्यवस्थित दिसेल। सजर सर ज्वाइन हो गए आज क्लास के लिए। हेलो फैजल सर, बोनकोड़े वाले फैजल सर। यस सर, अभी मुझे मैसेज अभी मुझे मिला, मैं एक्चुअली बाहर भिवंडी गया था इसीलिए। लास्ट वीक नहीं थे क्या क्लास में? सॉरी, लास्ट वीक का नहीं, लास्ट वीक का अटेंड नहीं कर पाया क्या? नहीं नहीं, लास्ट वीक का नहीं कर पाया मैं। ट्रेनिंग चल रहा है बराबर? ट्रेनिंग में प्रॉब्लम? ऑल गुड सर, ऑल गुड, परफेक्ट। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना प्लीज। हाँ हाँ सर, हाँ सर, पक्का। विदिका मैडम फर्स्ट डे था ना आज ड्राइविंग का? विदिका मैडम यस सर, आज फर्स्ट डे हुआ ना आपका ड्राइविंग? हाँ हाँ, आज से स्टार्ट हुआ। हाँ थोड़ा बेसिक से शुरू होगा है ना? हाँ जी। थोड़ा पूछते रहो, सवाल पूछते रहो, ट्रेनर से सवाल पूछो, फिर कुछ दिक्कतें आती है, कहाँ पे लैग हो रहा है आपका, आपको ड्राइविंग करते हो ज्यादा डिफिकल्ट क्या लग रहा है वो बताओ, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ओके ओके सर, ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो इससे बात है, ड्राइविंग थ्योरी का ही टॉपिक है आज का। दो तीन मिनट और रुकते कुछ लोगों को यहाँ पे हमारे साथ और जुड़ने देते, क्योंकि फिर मैंने एक बार क्लासेस शुरू कर दिए तो सर मैं किसी को यहाँ पर सब नहीं कर पाऊंगा। बोला तुम्हें? ये तो तुम्हें इंटर करो
तुमचा कॅमेरा बंद करा प्लीज. योगेश सर, योगेश सर कॅमेरा बंद करा प्लीज. देखो मैंने अभी एक फुल स्क्रीन में डाल दिया मेरे यहाँ पर, तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप आपका कैमरा को बंद कीजिए. रिफ्लेक्शन दूर की देखिए. ये खाली हाँ बस तो ये और रिफ्लेक्शन किस किस आ रहा है. ही लाइक चालू कर ही बंद कर. ओके आवाज क्लियर है मेरी. अनम्यूट करके बात कीजिए, फिर म्यूट कर देना. मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर. यस सर, यस सर. ओके यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड लिख रहा है. यस देखिए ये गाड़ी का आउटलाइन है, कार का आउटलाइन है. मतलब अगर कार को आप साइड से देखो तो कुछ इस तरह से दिखेगी. इस तरह ड्राइंग खराब है समझ जाओ. तो ये कार का आउटलाइन है, इसमें ये जो फ्रंट पोर्शन है गाड़ी का और ये रियर एंड है. तो इंजन जो है, इंजन ये कहाँ पर रहेगा बता सकते हो? इंजन कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर या यहाँ पर? रियर एंड में, फ्रंट एंड में. इंजन कहाँ पर है? फ्रंट एंड. फ्रंट फ्रंट एंड में, राइट. तो आप ये बोनट खोलोगे ना तो इंजन यहाँ पर रहेगा. ओके इंजन क्या है? इंजन एक मशीन है, इंजन एक पावर प्लांट है जो फ्यूल का केमिकल एनर्जी को, मतलब पेट्रोल या डीजल जो है आप जो फ्यूल इस्तेमाल करते हो उसकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब व्हील को घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. फ्यूल जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं कहाँ पर? फ्यूल टैंक में, जो लगा हुआ है यहाँ पर. मतलब एग्जैक्ट आपका जो रियर व्हील है उसके आगे की तरफ यहाँ पे फ्यूल टैंक लगा हुआ है. ये फ्यूल टैंक का कैपेसिटी होगा 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर, ये आपकी कार पर डिपेंड है. अभी जो फ्यूलिंग पोर्ट है यहाँ से हम लोग फ्यूलिंग पोर्ट जो है वो खोल के, लीड खोल के यहाँ से फ्यूलिंग करेंगे. तो एक पाइप होता है जो यहाँ से टैंक में जाता है और यहाँ से फ्यूल टैंक में पहुँचता है और हम यहाँ पर इसको स्टोर करके रखते हैं फ्यूल टैंक में. अभी इस फ्यूल को, अभी ये फ्यूल को हमें इंजन तक पहुँचाना है. तो ये फ्यूल को इंजन तक पहुँचाने के लिए इसके अंदर सप्लाई पंप होता है. पंप फिक्स किया था, इलेक्ट्रिक पंप है, ये इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप है. आप जब की ऑन करोगे, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने से पहले सिर्फ आपने की ऑन किया, देखिए आप की ऑन करोगे ये पंप चालू होता है और ये पंप से फ्यूल कुछ पाइपलाइन के द्वारा, छोटी सी पाइपलाइन जो गाड़ी के नीचे से आती है फिर अंदर जाती है इंजन तक पहुंचती है. तो फ्यूल पाइपलाइन के द्वारा ये फ्यूल पहुंचाया जाता है तो दूसरे पंप तक जिसको कहा जाता है हाई प्रेशर पंप. ये जो पंप है ये हाई प्रेशर पंप है. अब ये हाई प्रेशर पंप फ्यूल को इंजन के अंदर सप्लाई करेगा, हाई प्रेशर से उसको स्प्रे करेगा. फ्यूल जलने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन जो हमें एटमोसफेयर से मिलेगा. एटमोसफेयर का एयर अंदर खींचा जाएगा, एटमोसफेयर का एयर टैंक में का फ्यूल दोनों मिलकर फ्यूलिंग, फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनता है, कंबस्टिबल मिक्सचर बन जाता है.
जिसके ऊपर एक स्पार्क डाल के इसको ब्लास्ट किया जाएगा, क्योंकि फ्यूल यहाँ पे ब्लास्ट होगा, फ्यूल यहाँ पे जलेगा, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी से इंजिन घूमना शुरू हो जाता है। अब जब ये इंजिन चलेगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक रोटेटिंग शाफ्ट, जैसे घर में इलेक्ट्रिक करंट से फैन घूमता है, घर में इलेक्ट्रिक करंट से फैन घूमता है और फैन का ब्लेड घूम के हम वो हमें हवा देती है, तो वैसे ही यहाँ पर इंजन में तो फ्यूल जलते थे, इंजन के अंदर के पार्ट घूमते हैं और जैसे फैन का शाफ्ट घूमता है ना, जैसे मोटर का शाफ्ट घूमता है, वैसे ये शाफ्ट घूमेगा। शाफ्ट मतलब क्या है, एक सर्कुलर रॉड जो इंजन से बाहर आया गोल गोल घूम रहा है। ये शाफ्ट के ऊपर एक डिस्क लगेगा, ऐसे गोल डिस्क, तो एक डिस्क है ऐसे गोल डिस्क जिसके सेंटर में ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये जो शाफ्ट है ये है और ये डिस्क है, जो साइड से मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखेगा। ये डिस्क कहा जाता है फ्लाई व्हील डिस्क, इसका नाम है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील। ये डिस्क का होगा करीबन एक 8 या 10 इंच डायमीटर का, एक प्लेट का होता है अपना खाना खाने का, उसका प्लेट इसका साइज का होगा, ये इसको फ्लाई व्हील कहा जाता है। इसका ये लोहा, जो लोहे का प्लेट है इसका मोटा जो है, ये जैसा थिकनेस जो है, थिकनेस होगा करीबन 1 से 1.5 इंच, 1 इंच से 1.5 इंच का लोहे का डिस्क, 8 या 10 डायमीटर का ये डिस्क, जब शाफ्ट घूमेगा तो इसके साथ में ये डिस्क भी गोल गोल घूमेगा। अगर ये डिस्क इंजन पे लगा हुआ फ्लाईव्हील डिस्क 1 मिनट में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं उसे कहूंगा कि इसका स्पीड है 10 RPM, 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इंजन का जो स्पीड है, उस स्पीड को गिनने का जो यूनिट है वो RPM होता है, तो RPM मतलब 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका फुल फॉर्म है 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो ये जो इंजन है आपका, ये 10 RPM में अगर घूम रहा है तो मैं इसको 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट कहूंगा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जब आप इंजन स्टार्ट कर दो, जस्ट इंजन स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट होने के बाद आपने एक्सलेटर छोड़ दिया, पैर अपने एक्सलेटर से हटा दिया, तो भी आपका गाड़ी का इंजन चलता रहता है ना, इंजन थोड़ी बंद हो रहा है, इंजन तो चल रहा है, तो इंजन से हमें कोई काम नहीं लेना है, बस इंजन को चालू रखना है। इसको कहते हैं आइडल स्पीड, मतलब मुझे गाड़ी से कोई काम नहीं लेना है, बस मुझे गाड़ी को चालू रखना है, तभी इंजन एक मिनिमम स्पीड में चालू रहता है। वो मिनिमम स्पीड भी होता है करीबन 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब आपकी कार का इंजन 1 मिनट में मिनिमम 1000 बार घूमता है, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, उतना स्पीड में इंजन घूमता रहता है। जब आप एक्सल दोगे तो क्या होता है, एक्सल देना मतलब ज्यादा फ्यूल सप्लाई का, तो एक्सल दोगे तो ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा, पावर बढ़ेगा, यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका भी स्पीड बढ़ेगा 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 रिवॉल्यूशन, 4500 तक इनफ होता है, ये बोल रहा हाई कम आरपीएम भी इतना ज्यादा। तो 1 मिनट में ये कम से कम 16 से 17 बार घूमेगा, 70 से 80 बार घूमेगा 1 सेकंड के अंदर, अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाओ तो 1 सेकंड में 16 से 17 बार या फिर कम से कम 70 से 80 बार घूम सकता है हाई स्पीड में। तो इतने स्पीड में ये डिस्क गोल 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 घूम रहा है। ये डिस्क के आगे और एक डिस्क फिट है, समझो ये डिस्क के आगे और एक डिस्क लगा दिया यहाँ पर, तो इमेजिन करो कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क के आगे और एक डिस्क है कुछ इस तरह से, वो डिस्क भी एक शाफ्ट है ऐसे, और ये डिस्क मैंने इस फ्लाईव्हील के आगे यूं फिक्स कर दिया। अब क्या होगा कि इंजन स्टार्ट करने पर इंजन तो घूमेगा, इंजन घुमाएगा फ्लाईव्हील को, लेकिन ये फ्लाईव्हील, ये डिस्क जो है पीछे जो डिस्क है इसको नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे साथ में कनेक्टेड नहीं है, अभी तक ये दूसरे साथ में अटैच नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। तो ये डिस्क अगर मैं इसका कनेक्ट कर दूंगा तो इसका पावर इसको ट्रांसमिट होगा, इसका मोशन इसको ट्रांसमिट होगा, और वो मोशन ट्रांसमिट करने के लिए ये डिस्क के पीछे स्प्रिंग लगाई जाती है, ये स्प्रिंग इसको आगे पुश करके इसको फ्लाईव्हील के ऊपर यहाँ पर जोड़ देगी कुछ ऐसे। देखो ये डिस्क इसके साथ इसमें टेंशन दिया तो स्प्रिंग यहाँ पर जुड़ गई। ओके, अब स्प्रिंग इसको इसके साथ दबा घूमेगा। इसलिए कभी आप क्लच दबाओगे ना तो आपको पैरों में एहसास होता है, लेफ्ट लेग का क्लच दबाते हो तो आपको पैरों में एहसास होता है कि आपको स्प्रिंग दबा रहा है, वो ये स्प्रिंग है। ओके, आपने साइकिल में ब्रेक का मैकेनिज्म देखा कैसे रहता है, साइकिल में एक केबल है
जो अपने लीवर हैंड के हैंडल के ऊपर एक लीवर है, उस लीवर को दबाओगे तो एक केबल है जो पीछे ब्रेक मैकेनिज्म तक जाता है, जो हम लोग वो दबाते हैं ना, जो हम उस लीवर को दबाएंगे तो लीवर का केबल पीछे ब्रेक को ऑपरेट करेगा। तो वैसे कार में आपका क्लच का जो पेडल है, ये क्लच का पेडल में केबल लगा हुआ है जो यहाँ पे कनेक्टेड है इस क्लच के साथ। तो जब आप क्लच का पेडल दबाओगे तो ये केबल खींचा जाता है और ये केबल क्या करता है, स्प्रिंग को दबाकर क्लच को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके पीछे खींच दे रहा है, तो क्लच डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्लच दबाना मतलब क्लच को इंजन से डिस्कनेक्ट करना है, पावर को कट ऑफ कर दे। क्लच दबाना मतलब पावर को कट ऑफ कर दे। तो जब ये हम क्लच दबाते पावर को कट ऑफ कर दे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? हेलो, कोई बात करो प्लीज। यस सर। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ, अभी मैं क्लच छोड़ूंगा, मैं क्लच का पेडल छोड़ूंगा तो क्लच स्प्रिंग इसको आगे दबा के उसके जोड़ेगा। जब मैं क्लच छोड़ दूंगा तो ये टेंशन जो मैंने इसको दबा के रखा है ना स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग का टेंशन हटेगा। और जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा, ये क्लच का स्प्रिंग इसको आगे दबा के फिर फ्लाईव्हील के साथ जोड़ देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा क्लच पे पैर नहीं है, जब मैंने क्लच रिलीज किया हुआ है, मैंने क्लच नहीं दबाया, तो मेरा क्लच ऑलवेज एंगेज रहेगा फ्लाईव्हील के साथ, ऑलवेज इन्हीं के साथ एंगेज रहेगा। मैं क्लच दबाता हूँ तब क्लच डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्लच छोड़ा हुआ है तो वो कनेक्टेड है। ओके, तो जो पावर इंजन में डेवलप हो रहा है वो क्लच पे जा रहा है, क्लच की शाफ्ट में जा रहा है। क्लच का शाफ्ट एक बॉक्स में जाता है, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का बॉक्स लगा हुआ है और इस बॉक्स में बहुत सारे गियर है, नंबर ऑफ गियर्स, एक बॉक्स में बहुत सारे नंबर ऑफ गियर्स है, तो उसे मैं कहूंगा गियर बॉक्स। ओके, मैं दो मिनट के लिए ये स्टैंड पे से निकाल रहा हूँ मोबाइल, थोड़ा आपको तकलीफ होगा लेकिन आपको देखने के लिए, ये देखिए ये इंजन है, ये इंजन है। ओके, इसमें ये एक ओमनी गाड़ी था, पता है आपको ओमनी या फिर मारुति का एक गाड़ी था, तो उसका इंजन है ये पूरा इंजन है, ऊपर से लेकर नीचे पूरा इंजन है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो नीचे पार्ट है यहाँ पर ऑयल होता है, ये बॉटम पार्ट है, इसके अंदर ऑयल होता है, ये पंप है जो ऑयल को किसके ऊपर तक धकेलता है, यहाँ पे फ्यूल जलेगा, इसके अंदर फ्यूल जलेगा, ये जो पार्ट है ये इसके अंदर, इसके ऊपर फ्यूल जलता है और ये जो पार्ट है इसके अंदर से हवा और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाएगा। ओके, एग्जैक्ट इसके पीछे ये जो पार्ट है, देखो ये ब्लू वाला इंजन है, इंजन इधर तक इंजन है, इसके ये जो पार्ट है इसके अंदर फ्लाईव्हील है, इसके अंदर जो पार्ट फ्लाईव्हील इसके अंदर और उसके पीछे क्लच लगा हुआ है। यहाँ से आपको दिखना पॉसिबल नहीं है, इधर है थोड़ा सा, ये देखिए गियर बॉक्स आपको दो मिनट में समझ गया, लाइट चालू कर। अब देखो अभी आपको समझ में आएगा, देखो ये इंजन है, यहां पर पीछे कुछ गियर दिख रहे आपको इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ना ये गियर है, जो गियर बॉक्स ये है गियर बॉक्स है। जब हम यहाँ पे गियर चेंज करेंगे ना, गियर का लीवर पकड़ के, तो ये मैकेनिज्म इस तरह से मैकेनिज्म यहाँ पर गियर को शिफ्ट करता है और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये पार्ट है, इस वाले ये गियर है सारे, और जो फ्लाईव्हील में आपको बता रहा था फ्लाईव्हील, वो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ये फ्लाईव्हील है, जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फ्लाईव्हील और इसके पीछे यहाँ पे क्लच है। तो ये ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये जो रेड में आपको दिख रहा है ये गियर बॉक्स है, बीच का ये जो पार्ट है ये फ्लाईव्हील और क्लच है, और ये जो पार्ट है ये इंजन है, तो इंजन इसके जो फ्लाईव्हील और क्लच, इसके पीछे गियर बॉक्स, और यहाँ से जो पावर ट्रांसमिट होगा फिर वो यहाँ से जाएगा व्हील के लिए, फिर वो यहाँ से व्हील के लिए जाएगा। एक मिनट, देखो अभी गियर जो रहता है ना, आपने गन्ने के जूस की मशीन में भी देखा होगा, गन्ने के जूस की मशीन में भी ऐसे बहुत सारे गियर। ओके, तो सोचो कि वैसा एक गियर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो इंजन से आने वाला पावर ये क्लच को जुड़ा है, क्लच के साथ एक गियर को जुड़ा है, इसका नाम है क्लच गियर। क्लच गियर के बाद एक गियर उसके साथ ऐसे जुड़ा होगा तो वो उसको घुमाएगा। ओके, ये जो नीचे का गियर है उससे एक शाफ्ट जुड़ा हुआ है तो वो शाफ्ट भी घूमेगा, और ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स, ये सारे गियर इससे जुड़े होंगे।
एक गियर होता है ड्रिवन गियर जो व्हील के साथ कनेक्ट होता है, जो व्हील के साथ कनेक्ट होता है। अभी इसका पोजीशन फिलहाल ऐसा है कि किसी गियर के साथ एंगेज नहीं है, तो अब मैं इंजन स्टार्ट करूंगा तो इंजन फ्लाइवील को घुमाएगा, फ्लाइवील क्लच को घुमाएगा, क्लच ऊपर वाले गियर नीचे वाले गियर के साथ एंगेज है तो नीचे वाले गियर को घुमाएगा, नीचे वाला गियर शाफ्ट को घुमाएगा, शाफ्ट पे लगा ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्यूअर सारे गियर घूम रहे, लेकिन ये गियर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये गियर घूमेगा नहीं, और ये गियर नहीं घूमेगा इसलिए पावर व्हील तक मिल जाएगा और व्हील भी नहीं घूमेगा। मैं एक्सेल दूंगा, टैंक में का फ्यूल इंजन में जाएगा, इंजन का स्पीड बढ़ेगा, क्लच का स्पीड बढ़ेगा, गियरबॉक्स के गियर का स्पीड बढ़ेगा, स्टिल ये गियर घूमेगा ही नहीं क्योंकि ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं कितना भी एक्सेल दूं मेरा व्हील तक पावर ट्रांसमिट नहीं होगा क्योंकि ये जो गियर है ये किसी के साथ एंगेज नहीं है। इस पोजिशन को मैं कहूंगा मेरा गाड़ी न्यूट्रल में, तो गाड़ी न्यूट्रल में होना उसका मतलब है कि जो इंजन पावर डेवलप कर रहा है वो पावर पीछे ट्रांसमिट ही नहीं हो रही है क्योंकि वो गियर इसके साथ एंगेज नहीं है। तो अब मुझे उसको एंगेज करना है क्योंकि पावर को पीछे लेके जाना है, इसलिए न्यूट्रल गियर में हमारा गाड़ी का पावर ट्रांसमिट नहीं होता, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो मेरा ट्रेनर आपसे कहता है कि अभी गियर डालो, बराबर गियर डालने से पहले क्या करना पड़ता है आपको, आपने गियर के नॉब पे हाथ रखा लेकिन उसके पहले गियर डालने से पहले बेसिक रूल क्या है, क्लच दबाना पड़ता है। हेलो सुनिए प्लीज, न्यूट्रल कैसे करना पड़ता है, गियर डालने से पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए तो आवाज आएगी। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो नीचे करके क्लच दबा के गियर डाल, मेरा वक्त में क्या रुको जरा एक मिनट बोलो, हाँ अभी अभी बोलो, अभी बोलिए। हेलो सर क्लच दबाना पड़ता है, अरे हाँ मैं यही तो सुनना चाह रहा हूँ सबसे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कनेक्ट होगी आप लोगों के साथ में। अच्छा क्लच दबाना पड़ता है ना, क्यों क्लच दबाना पड़ता है तो उसके पीछे का रीजन देखो। तो ये जो गियर है ये घूम रहे, ये सारे गियर घूम रहे, ऐसे एग्जाम्पल पकड़ते कि ये गियर घूम रहे समझो 1000 RPM, लेकिन ये ऊपर वाला गियर तो जीरो है, तो इसका अभी स्पीड क्या है, 1000 और ये जीरो है। तो मुझे जब दो गियर को एक साथ जोड़ना है तो दोनों का स्पीड इक्वल होना चाहिए, आइदर जीरो और 1:1, ये 1000 में घूमना तो इसको भी 1000 में घुमाएगा, ये 2000 में घूमना तो ये भी 2000 में घूमा, 1:1 या फिर जीरो, दोनों में जीरो। इसी तो ऐसा क्यों, क्योंकि सोचो एक गियर जो है ना वो घूम रहा है, एक गियर घूम रहा है और दूसरा गियर स्टडी है, तो वो गियर अगर मैं उसके एंगेज करने जाऊं तो क्रैश होगा, दूसरे उसके टीथ एक दूसरे मैच नहीं होगा, हो जाएगा वो टूटेगा या फिर वो क्रैश करेगा वहां। तो मुझे दोनों को रोकना है, अगर दोनों स्टडी है, दोनों रुके हुए हैं तो दोनों इजीली एंगेज हो जाएगी, या दोनों का स्पीड सेम है तो भी इजीली एंगेज हो जाएगा। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन आपको कैसे समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग देखो ज्यादा लेते हैं या फिर मैं कहूंगा कि उनको अपनी परवाह नहीं है ऐसे बोल, ये लोग क्या करते हैं ट्रेन में ट्रेन चालू होने के बाद दौड़ के चढ़ते ऊपर ट्रेन में चढ़ते, तो इन लोगों को कभी आपने देखा था क्या होता है, अगर ट्रेन छूट गया मतलब ट्रेन चालू हो गया तो लोग डायरेक्ट ट्रेन में जंप नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा भागेंगे ट्रेन के साथ, थोड़ा सा अपने स्पीड को ट्रेन के स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, मैच करेंगे, कोशिश करेंगे उसको मैच करने की, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म आते ही गाड़ी स्लो होने से पहले, गाड़ी रुकने से पहले लेके स्लो होती है और नीचे उतर गए, लेकिन नीचे उतर देगा वो लोग जगह पे रुक गए तो गिर जाए, नीचे गिर जाए, वो क्या करते हैं नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा भाग के अपने स्पीड को कम करते हैं उसके बाद रुकते हैं। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग मतलब एक दूसरे का स्पीड को अपने स्पीड के साथ में सिंक्रोनाइज मैच करना, एक करना, दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल करना। ओके तो यहाँ पर मुझे अगर ये घूमने वाला गियर को इस स्टडी गियर के साथ जोड़ना तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो इसको रोको या इसको घुमाओ। इसको घुमाने का कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि गाड़ी तो जगह पे खड़ी है, इसको घुमाने के लिए मुझे या तो गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं क्लच दबाऊंगा, जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा ये क्लच यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर इधर आ जाएगा। ओके क्लच डिस्कनेक्ट होकर धीरे धीरे इनका स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होने के बाद एक गियर का नॉब है जिसको आप पकड़ के गियर डालते हो, जिसका लीवर कनेक्टेड है इस गियर के साथ, मैं उस गियर को शिफ्ट करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपने बोला उसमें, जब मैं उसको शिफ्ट करूंगा तो ये जाते हैं उस गियर के साथ इस तरह से एंगेज हो जाएगा, और जब ये दो गियर एक दूसरे से एंगेज होंगे तो क्लैश साउंड आएगा, खड़ा
क्लास साउंडर और एक दूसरे एंगेज हो जाए बराबर है। इसीलिए कभी भी एक्सेट नहीं देना है, क्लच दबाने से पहले अगर आपने एक्सेट दिया तो स्पीड बढ़ जाता है, फिर गियर एंगेज करने का खर्रा हो जाएगा। एक्सेट छोड़ना है, क्लच दबाना है और फिर गियर डालना है। क्लच दबाते पूरा क्लच दबाने का कभी भी याद रखो, जब भी मेरा ट्रेनर आपसे पहला क्लच दबा पूरा पूरा क्लच दबाना है तो ये पूरा डिस्कनेक्ट है। अगर आपने आधा क्लच दबाया तो स्प्रिंग पूरी तरह से इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, स्टिल वो एंगेज रहेगा और आपका गियर डालने के लिए कर 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 आवाज आएगा, यह गाड़ी बंद पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा क्लच दबाने के लिए जब कहेंगे तो पूरा क्लच दबाओ ताकि फुल्ली डिस्कनेक्ट हो जाए। एक बात दिमाग में डालो, क्लच आधा छोड़ा जाता है, दबाया नहीं जाता है। आधा क्लच दबाओ ये वर्ड ही गलत है, आधा क्लच दबाया नहीं जाता है, आधा क्लच छोड़ा जाता है। ओके अभी इसका स्पीड जीरो है, ये रुका हुआ है, इसका स्पीड जीरो, इसका स्पीड जीरो है, लेकिन ये तो घूम रहा है 1000 RPM में। एक 10-15 किलो का डिस्क 1000 RPM में फुल स्पीड में घूम रहा है और ये रुका है। मैंने आपसे कहा क्लच छोड़ो, अब जैसे क्लच से पैर हटाओगे स्प्रिंग इसको आगे दबाएगी झटके से और ये क्लच जाके इसके साथ जुड़ जाए। अगर आपने क्लच को सडनली छोड़ा तो एक घूमने वाली चीज से आप इमेजिन करो, एक चीज घूम रहा है और दूसरा चीज रुका हुआ है क्लच, जैसे मैं इसको छोड़ा स्प्रिंग इस पर दबाएगा तो झटका तो लगेगा ही और ऐसे ही आपके साथ होता है। अगर आपने क्लच को सडनली छोड़ा तो क्लच जाके जुड़ेगा सडनली और यहाँ से जो पावर है वो इंजन से फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील से क्लच, क्लच से गियर और गियर से व्हील पे जाएगी और व्हील को झटके से घुमाने की कोशिश करेगी। जो झटका इधर लगा ना वही इधर लगने वाला है, झटके से घुमाने की कोशिश करो। एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, याद है सबको। ओके तो एक एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग एक रैंडम एग्जांपल देखते हैं। सोचो इंजन ने यहाँ से 10 Nm का टॉर्क ट्रांसमिट किया, जस्ट एग्जांपल। इंजन ने जब यहाँ से यहाँ पे एंगेज होगा तो 10 Nm का टॉर्क ट्रांसमिट किया जो यहाँ से व्हील पे पहुंचा, तो व्हील उतना ही इक्वल जो टॉर्क ट्रांसमिट हुआ है उतना ही अपोज करेगा ना, वो उतना ही उसको बैक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो अपोजिट इक्वल रिएक्शन, ये भी 10 Nm का टॉर्क यहाँ से अपोज फोर्स आएगा तो यहाँ से इधर तक आएगा और इंजन बंद हो जाएगा और इंजन को झटका लगेगा, इंजन बंद हो जाएगा। आपकी गाड़ी बंद इसलिए पड़ती क्योंकि आप उसमें सडनली छोड़ दो क्लच पावर, सडनली छोड़ दो ऐसा बंद होगा ही, इसलिए आपका गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे बंद होता है, ट्रैफिक में बंद होता है, सिग्नल पे बंद होता है, आप पार्किंग से उठा दो गाड़ी तभी बंद होता है। तो सडनली एंगेज करने की वजह से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना होगा बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्लच को कैसे छोड़ा जाना चाहिए? स्लोली, ग्रेजुअली स्लोली छोड़ा जाए, ग्रेजुअली छोड़ना है, स्लोली छोड़ना है। देखो ये आपका फ्लोरिंग बोर्ड है, आपके यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ पे आपका क्लच का पेडल है। ओके क्लच के पेडल के ऊपर आपका पैर ऐसा है, ये आपका क्लच का पेडल के ऊपर आपका पैर है। इसमें गलत क्या है बताओ मुझे, इसमें गलत क्या है बताओ? क्लच हमेशा टो से दबाना अच्छा रहता है। Yes. पहला गलती कि क्लच को सेंटर से नहीं दबाना है, पैर के सोल का सेंटर नहीं दबाना है, इस्तेमाल करो यहाँ पर इस चीज का तो उसके पास करो। दूसरा गलती सर वो फीट को फ्लोर पे रखना है। हाँ क्लच को ऐसे हवा में मत, पैर को ऐसे हवा में मत रखो क्लच दबाते हो, हाँ इसको नीचे इसको रेस्ट करना, इसको देखो आपका पैर थोड़ी देर के बाद शीटिंग करेगा, आपको टायर्डनेस फील होगा, फैटिक महसूस होगा आपको, ऐसे हवा में नहीं रखना उसको, पूरा घुटने से पैर को ऑपरेट करना पड़ता है। कोशिश करो क्लच को यहाँ पर नीचे रेस्ट करने का, पैर को जब क्लच दबाओगे तभी, और टोर्स से क्लच को ऑपरेट करने, ये आपका पोजिशन होना चाहिए जब आप क्लच दबाओगे। हिल को उठाकर आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आपको एंकल को देनी है, आपका एंकल को ज्यादा मूवमेंट देनी है, आपको एंकल को ज्यादा मूवमेंट दो, थोड़ा बहुत पैर उठा के आगे भी छिपकर चले। तीसरा गलती है बैर फुट ड्राइव करना, चप्पल निकाल कर गाड़ी चलाना, ये सबसे गलत है। अगर आप में से कोई ड्राइविंग करते वक्त चप्पल निकाल के गाड़ी चला रहा हो, शूज निकाल के गाड़ी चला, तो आप गलत कर रहे हो। शूज चप्पल निकाल के गाड़ी मत चलाओ, एटलीस्ट हमारे पास सीखने के टाइम, अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आज आप विदाउट फुटवेयर इसलिए ड्राइव कर रहे हो क्योंकि आपको सेंस अच्छा मिल रहा है कि मैं क्लच दबा रहा हूँ, मैं ब्रेक दबा रहा हूँ। तो जिस दिन आप शूज पहन के ड्राइव करोगे ना, आपको दबाना है ब्रेक, आप एक्सल दबा दोगे ठोक दोगे गाड़ी कहीं पर, ऐसा लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए शॉर्टकट मारो मत, प्लीज शॉर्टकट मार के काम मत करो। याद रखना है आपको
फुटवेयर पहन के ही ड्राइव करना है, स्लीपर पहन के ट्रेनिंग को आने का नहीं। सब लोग याद रखो, स्लीपर चप्पल पहन के ट्रेनिंग को मत आओ, शूज पहन के आओ, या जो फुटवेयर आप ऑफिस जाते हुए पहनते हो, आप कॉलेज जाते हुए पहनते हो, जो फुटवेयर आप बाहर जाते हो ड्राइव करते पहनने वाले हो, वो फुटवेयर पहन के ट्रेनिंग के लिए आओ। अगर आज आपसे कोई गलती हो गया तो मेरा ट्रेनर के पास एक्स्ट्रा क्लच एंड ब्रेक है, वो कंट्रोल कर लेगा। मेरे गाड़ी के ऊपर बाहर से लिखा हुआ है ड्राइविंग स्कूल का गाड़ी करके, इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो ट्रेनर आपको इंस्ट्रक्शन देगा वहां पर। आपकी गाड़ी में इसमें से कुछ भी नहीं है, तो बेसिक जब सीख रहे हो तो सही ढंग से सीखो, फुटवेयर निकाल के ड्राइव मत करो। अगर आपको कोई ट्रेनर बोलता भी है कि फुटवेयर निकालो ड्राइव करो, करने का नहीं, वो उसका काम आसान कर रहा है आपको 20 दिन में खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जब आप उसे कहेंगे क्लच दबाओ तो क्लच नीचे पूरा फ्लोरिंग बोर्ड तक दबेगा, यहाँ तक हमेशा जब भी क्लच दबाओ बोलोगे तो नीचे टच होना चाहिए, इसके बाद वो जाएगा नहीं जीरो, इसके बाद वो जाएगा ही नहीं। तो जब मैं ये जीरो दबाता हूँ ना फ्लोरिंग बोर्ड तक, तो मेरा क्लच पूरा पीछे आ जाता है, इसके बाद ये नहीं जाएगा, तो ये पोजिशन हो गया जीरो। अभी क्लच छोड़ने का जो तरीका है उस तरीके को कहते हैं 3 पॉइंट रिलीज, ये याद रखो। 3 पॉइंट रिलीज मतलब क्लच को 3 स्टेप पे छोड़ना है। आप अगर इस तरह से ड्राइव करोगे तो आप कोई भी गाड़ी चलाओ गाड़ी बंद नहीं पड़ेगा, पेट्रोल गाड़ी चलाओ, डीजल चलाओ, सीएनजी गाड़ी चलाओ, कोई भी गाड़ी चलाओ, आप ट्रैफिक में गाड़ी जो बंद पड़ रही है, आपकी सिंगल पे जो गाड़ी बंद पड़ रही है, आप ये तरीके का इस्तेमाल करो तो आपका गाड़ी बंद नहीं पड़ेगा। देखो 3 पॉइंट रिलीज क्या है कि क्लच को 3 स्टेप में छोड़ना है आपको। यहाँ पे आपने जैसे क्लच दबाया यहाँ पर आ गया जीरो। अभी हम फर्स्ट गियर डाला, हम आपसे कहते क्लच छोड़ो, तो ऐसा कंटिन्यू क्लच को छोड़ने के बजाय क्लच को थोड़ा सा छोड़ो और रुक जाओ। 1 क्लच को दबाया, फर्स्ट गियर डाला, क्लच को थोड़ा छोड़ो और एक पॉज लो, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। क्या होगा, स्प्रिंग इसको आगे दबाएगा और यहाँ पर लेके आएगा नजदीक में 1, लेकिन वो इंजन के साथ जुड़ेगा नहीं, इंजन के साथ जुड़ेगा तो व्हील घूमेगा नहीं, तो गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। फिर और थोड़ा छोड़ो, फिर रुक जाओ 2, और थोड़ा छोड़ो आपने क्लच, फिर रुक गया 2। इसमें क्या होगा, क्लच इंजन के साथ तो जुड़ जाएगा लेकिन स्प्रिंग अभी भी पूरा छोड़ा नहीं आपने, आधा स्प्रिंग दबा के रखा हुआ। क्या हुआ, आधा स्प्रिंग दबा के रखा होने के कारण ग्रिप नहीं कर पाएगा ज्यादा, वो सिर्फ टच तो हो गया लेकिन ग्रिप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग अभी भी टेंशन आपने दबा के रखा हुआ है, पूरा स्प्रिंग टेंशन नहीं है। तो इंजन अगर 100 RPM में घूम रहा है तो ये उसके साथ ग्रिप नहीं कर पाने के कारण स्लिप करेगा, और इंजन अगर 1000 RPM में घूमेगा तो ये स्लिप होने के कारण ये सिर्फ 200 या 300 RPM में यहाँ से बाकी का स्लिप करेगा, सिर्फ 300 RPM ट्रांसमिट करेगा। तो इंजन 1000 RPM में घूम रहा है लेकिन यहाँ पे पावर स्लिप हो रहा है और ये 300 RPM ट्रांसमिट कर रहा है, जिससे कम पावर जाएगा यहाँ पर और धीरे धीरे व्हील घूमना शुरू होगा। अभी यहाँ पर भी वो बैकफोर्स आया है लेकिन बैकफोर्स बहुत कम है कम्पेयर टू इंजन, इसलिए इंजन बंद नहीं पड़ेगा और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। जब आप एक 2 में आते हो ना तो धीरे धीरे गाड़ी वाइब्रेट करता है, आपको फील होता है कि मेरा गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है, और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होता है आप क्लच छोड़ते हो, मत छोड़ो, उधर रुको। गलती क्या हो रहा है आपसे कि जैसे ही आपका गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ता है ना आप क्लच पूरा छोड़ते हो और कोशिश करते हो कि मैं जल्दी आगे निकल जाओ, बिल्कुल नहीं करने का, वहां पे होल्ड करो क्लच को 2-3 सेकंड के लिए, गाड़ी थोड़ा वाइब्रेट करेगा आगे बढ़ेगा। जब आपका गाड़ी 5-6 फीट आगे बढ़ चुका होगा या 2-3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा व्हील के, उसके बाद आप पूरा क्लच छोड़ो 3, तो ये पूरा फोर्स यहाँ पे पूरा का पूरा स्प्रिंग फोर्स लाइव को एंगेज करेगा और पूरा पावर ट्रांसमिट होगा, आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा और आराम से निकाल लोगे। अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो 2 में रखो फिर दबो, 2 में रखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पीछे रिवर्स लेते हो आपको यही करना होगा, इसको बोलते हैं हाफ क्लच। ये 2 मतलब हाफ क्लच है, आधा पावर एंगेज हो रहा है आधा पावर स्लिप हो रहा है, क्योंकि आधा स्प्रिंग दबा हुआ है आधा स्प्रिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जा रहे समझ में आपको ये? यस सर। तो ये जब तक आपको आज के बाद जो आप गाड़ी चलाओगे ना तो इमेजिन करो कि मेरा क्लच मैं छोड़ रहा हूँ 1, कुछ नहीं हुआ, फिर और थोड़ा क्लच छोड़ो 2, जैसे आप 2 में छोड़ोगे ना जिधर गाड़ी वाइब्रेशन होना शुरू हो गया ना उधर होल्ड करो क्लच मत छोड़ो, ममता तो थोड़ा हल्का एक्सेलरेटर दबाओ, गाड़ी आराम से आगे बढ़ेगा आराम से। अभी आप में से कुछ लोगों को डाउट है कि सर एक्सेलरेटर देगा क्या, ट्रेनर तो बोलते हैं मत दो एक्सेलरेटर, वो आपका क्लच के कंट्रोल के लिए आपको एडजस्ट करा है लेकिन थोड़ा सा एक्सेलरेटर आपको देना पड़ेगा, ऐसा किसी को डाउट है क्या कि एक्सेलरेटर देने का क्या नहीं देने का क्या? नहीं, क्लच पेट खराब नहीं होता है, किसी ने यहाँ पे कमेंट किया क्लच पेट सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो, फुल टाइम आप क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाओगे तो खराब होगा, थोड़ा देर के लिए ऐसे करने से खराब नहीं होता है क्लच। ओके देखो
आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, जैसे आप पूरा आगे बढ़ोगे आप पूरा क्लच छोड़ रहे हो, उसके पैर बाहर से नीचे रख रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप एक बार करके देखो, फिर मुझे अगले क्लास में इसके बारे में पूछो अगर कोई डाउट है तो। लेकिन ये करके देखो, आपका गाड़ी बंद पड़ने का जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये किसी ने बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन डाला था, रिपीट आप पूछ सकते हो, पूछो प्लीज। आवाज आने दो, क्योंकि मेरा मोबाइल स्टैंड पे, मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सर पूछ रहा हूँ कि खड़ी गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई है, तब उसको आगे बढ़ाने के 3 पॉइंट रिलीज करना, बराबर? मान लीजिए गाड़ी ऑलरेडी मूविंग है तो उसकी जरूरत नहीं ना, तो धीरे धीरे इसकी जरूरत है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ दो, फिर जरूरत है। ये सिर्फ रेस्ट पोजिशन मूवमेंट में लाने के लिए जरूरत है, ये टू काम आएगा आपको हिल पे जाते वक्त रुकने के लिए, तब ये काम आएगा। ये आपको काम आएगा गाड़ी रिवर्स लेने के लिए, ट्रैफिक में चलने के लिए, गाड़ी पार्किंग में लगाते वक्त, जिधर हम लोग को स्लो मोशन का जरूरत पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो वहां पे हम लोग को ये काम आता है। अभी जिन्होंने 2-4 दिन 1-2 दिन गाड़ी चलाया था उनको ये बराबर समझ, जिसने आज 1 ही दिन जस्ट आप फ्रेश है उन लोगों को थोड़ा ये समझने में टाइम लगेगा, जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आगे बढ़े, थोड़ा सा एक पॉइंट और लेना है मुझे। आगे आपके व्हील लगे हुए थे, राइट? ये इंजिन क्लच, यहाँ पर फ्लाईव्हील क्लच, गियरबॉक्स, और गियरबॉक्स से पावर व्हील को। अभी डाउट ये है कि जब भी हम आपसे कहते ब्रेक दबाओ, तो ब्रेक दबाने से पहले हम आपसे कहते क्लच दबाओ, उसके बाद ब्रेक दबाओ, नहीं तो गाड़ी बंद पड़ेगी। क्यों बंद पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ कि मैंने आपसे कहा ब्रेक मारो, आपने ब्रेक मारा तो व्हील रुक जाएंगे, चालू गाड़ी में, गाड़ी सेकेंड थर्ड गियर पे, व्हील रुक जाएंगे। व्हील रुकने की वजह से गेयरबॉक्स को जाने वाला शाफ्ट रुक जाएगा, ये शाफ्ट गेयरबॉक्स को रोकेगा, गेयरबॉक्स नहीं घूमने की वजह से क्लच रुक जाएगा, और क्लच इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इंजन को घूमने के लिए अपोज करेगा और इंजन भी बंद करेगा, इसलिए आपका गाड़ी बंद पड़ता है, क्योंकि आप क्लच नहीं दबाते हैं, देर से दबाते हैं। यही आपने, मैंने आपसे कहा ब्रेक दबाओ, लेकिन ब्रेक दबाने से पहले आपने क्लच को पहले दबा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद ब्रेक दबाया, तो व्हील रुकेगा, शाफ्ट रुकेगा, गियरबॉक्स रुकेगा, क्लच रुकेगा, लेकिन इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंजन डिस्कनेक्ट है, ओके? इसलिए क्लच को दबाओ। अगर आपने आधा क्लच दबा के रखा फिर ब्रेक मारा ना, तो भी दिक्कत है। अगर आपने आधा क्लच दबा के रखा तो भी दिक्कत, दिक्कत क्या है? तो आपका गाड़ी वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो आधा क्लच एंगेज है, वाइब्रेट करेगा। अरे समझ में आ रहा आपको? ये डाउट समझ में आ रहा है क्या? इसलिए क्लच दबाने, ब्रेक दबाने से पहले, ब्रेक दबाने से पहले हम आपको कहते क्लच दबाओ, वही पूरा दबाओ। अब आधा क्लच दबा के रखा तो टक 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 फिर ऐसे बंद पड़ता है गाड़ी की स्पीड ब्रेकर से या सिग्नल के ऊपर। नेक्स्ट, देखो एक गियर का पैटर्न है, बेसिक पैटर्न गियर का ऐसा है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, ये बीच का जो लाइन है ये न्यूट्रल कलर है। न्यूट्रल में जो गियर का नॉब है, गियर का जो नॉब है, ये दोनों तरफ से स्प्रिंग लोडेड है, इसलिए न्यूट्रल में उसको इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी छोड़ो, वो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आके रुकता है। तो आप न्यूट्रल में गियर के नॉब को छोड़ोगे तो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आके रुकेगा। हम आपसे कहते हैं कि फर्स्ट गियर डालो, और आप अगर उसको आगे ढकेलोगे तो जाएगा थर्ड में, रॉन्ग सिलेक्शन, रॉन्ग सिलेक्शन है ना। तो इसीलिए जब फर्स्ट गियर डालना होता है तो उसको इधर से हल्का दबाओ, इधर लेके आओ, और यहाँ से आगे डालोगे तो फर्स्ट जाए। हम कहते हैं आपको सेकंड गियर डालो, आप यहाँ से उसको डायरेक्ट पीछे खींचते हो, लेकिन उसको पीछे खींचते हो थोड़ा लेफ्ट पे दबा के रखना है। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो फर्स्ट से जब वो सेकंड में आएगा, तो जब वो न्यूट्रल में आता है तो स्प्रिंग लोडेड है, तो सटक के इधर आ जाता है, और आप सेकंड मोड के नीचे डालते हो जाता फोर्थ में। ऐसा कई बार होता है सेकंड डालते हो गाड़ी फोर्थ में जाता है, क्योंकि आप उसको जहां से पकड़ के सीधा खटखट ऐसे नीचे खींचते हो, थोड़ा हाथ को ऐसा रखते उसको दबाओ और फिर नीचे खींचो, हल्का दबा के रखो लेफ्ट में तो वो इधर नहीं जाए, हल्का लेफ्ट फर्स्ट से, तो ये न्यूट्रल लेके आओ, हल्के हाथ से दबा के रखो फिर नीचे डालो। गियर डालते वक्त ज्यादा ताकत लगाने का नहीं,
आप ज्यादा ताकत लगाते हो, गियर को काफी जकड़े रखते हो, इसलिए आपको दिक्कत होती है गाड़ी चलाते हो। गियर को जकड़ना नहीं है, गियर को ज्यादा ताकत लगानी नहीं है, हल्के हाथ से गियर डालो, आराम से गियर गिरेंगे और दिक्कत भी नहीं होगी। आपको पता चलना कि आपने इधर से कौन सा गियर शिफ्ट किया। अगर आप उसको ताकत लगाकर पूरा जकड़ कर डालोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे गियर डालते। ओके, इस बात को समझो, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, आप अभी देखो नेक्स्ट, गाड़ी में बैठने के बाद आपके तीनों मिरर को आपको सेट करना है। सीट एडजस्टमेंट करने के बाद तीन मिरर है आपकी कार में। ओके, तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है आपका, तो पहले आप सीट को एडजस्ट करो। सीट को जब आप एडजस्ट करोगे तो आपको कैसे कंफर्टेबल हो रहा है वो देखो। पूरा क्लच दबना चाहिए, पूरा क्लच छूटना चाहिए, स्टीयरिंग में आपका पैर टच नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो घुटना है स्टीयरिंग में टच नहीं होना चाहिए। ओके, इसे आप आपके हिसाब से कंफर्टेबल करो। सीट को 90 डिग्री मत रखना कभी भी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा हल्का सा उसको इंक्लाइन रखो, ताकि आपका जो भी भार है पूरा वो आपके थाइस मसल्स से आए, थाइस से आए, आपकी कमर पे आएगा, तो आपका जो है गाड़ी चलाता तो जो पोस्चर है वो गलत है। ठीक है, अभी रियर व्यू मिरर में आपको पीछे का ग्लास पूरा दिखना चाहिए, पूरा क्लियर विजन दिखना चाहिए, पीछे का ग्लास पूरा मतलब एंड टू एंड पूरा ग्लास दिखना चाहिए। उसको सेट करो, राइट और लेफ्ट साइड का मिरर में आपका गाड़ी आपको कम दिखेगा, इतना तो चलेगा, मतलब इसके चार पार्ट करो सिंपल, अभी आपको बता दो इसके चार पार्ट करो। ओके, चार पार्ट, ये पहला पार्ट जो है ना उसमें आपको आपका गाड़ी दिखेगा, लेकिन आगे के तीन पार्ट में आपको रोड दिखना चाहिए। पहले पार्ट में आपको आपका गाड़ी दिखेगा और ये तीन पार्ट में आपको आपका जो रोड है साइड में वो दिखना चाहिए। ऐसा सेट करो, ड्राइव करते वक्त हर एक दो मिनट के बाद आपको मिरर देखना, पीछे कौन है, लेफ्ट कौन है, राइट में कौन है, अच्छी आदत है। मिरर देखने से आप अलर्ट रहोगे, आपके आसपास कौन चल रहा है आपको समझ में आएगा। तो मिरर देख के ड्राइव करने की आदत डालो, ऑलवेज मिरर देख के ड्राइव करोगे तो आप जल्दी सीखोगे, अलर्ट रहोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? हैंड ब्रेक नीचे है तो जरूर देखना हर बार, कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि हैंड ब्रेक ऊपर है, ड्राइव करते हैं फिर वो इंजन गर्म होता है या गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है, दोनों में से कुछ एक होता है, तो हैंड ब्रेक को जरूर चेक करो कि नीचे है क्या। ओके, अभी कुछ सवाल है तो पूछो, अभी कुछ सवाल है तो पूछो। जो फर्स्ट टाइम आज टॉपिक अटेंड कर रहे हैं ना, वो लोगों के लिए एक ये क्या आइडिया है आपको समझ में आया? मैंने मेरा कैमरा बंद किया, तो बोलो कि दिख नहीं रहा है, नहीं तो बोलो कि दिखता नहीं। अभी पूछो सवाल तो मैं उसके जवाब देता हूँ आपको। ठीक है, आपका ट्रेनिंग जो चल रहा है, बोले बोले स्लोप से उतरने के टाइम बता सकते आप ब्रेक पे कंट्रोल कर करके गाड़ी नीचे लाओ, कोशिश करो गाड़ी को लो गियर में रखने का, गाड़ी को लो गियर में रखो, मतलब आप समझे थर्ड गियर में ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे उतरते हो उसको थोड़ा एक गियर लो कर लो और ब्रेक दबा के धीरे धीरे नीचे उतरो। स्लोप से नीचे उतरते गियर को कम करना है, बढ़ाना नहीं गियर को, या वही गियर में रहता है तो ये कहती कि जिस गियर में ऊपर करते उसी गियर में नीचे उतरो, तो एक गियर नीचे करो मंगते दो, लेकिन ब्रेक दबा दबा के धीरे धीरे, इसको आसान है नीचे उतरना आसान है, सिर्फ गाड़ी को बंद करने का नहीं। अगर इंजन बंद हो गया तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, क्योंकि पावर स्टीयरिंग ऑफ हो जाता है, इंजन बंद हो गया तो ब्रेक भी लगते हैं। हाफ क्लच लेना है उस टाइम पे डाउनहिल में? जरूरत नहीं पड़ता है हाफ क्लच का, अगर ट्रैफिक में हो तो लेना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूरत नहीं पड़ता आपको, ज्यादा आप क्लच में रखोगे तो गाड़ी भी तो गर्म होगा, क्लच पेड भी गर्म होता है, हाँ क्लच पेड गर्म होकर चल जाएगा। सर आपने कहा इंजन बंद हो गया तो ब्रेक भी नहीं लगते, ऐसा कहा क्या आपने? हाँ हाँ यस बराबर है। क्या होता है हमारी जो कार है ना उसका जो ब्रेक है ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, लेकिन असिस्टेंट गियर को वैक्यूम, मतलब वैक्यूम असिस्टेंट हाइड्रोलिक ब्रेक। ये वैक्यूम असिस्टेंट हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, तो जब इंजन चलता है तो इंजन में वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे अपने वैक्यूम क्लीनर में तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो जैसे इंजन में भी वैक्यूम क्रिएट होता है, जो वैक्यूम फ्यूल को इंजन को अंदर खींचता है, मतलब इंजन के अंदर फ्यूल हवा जो एटमोसफेयर के अंदर आता है वो वैक्यूम क्रिएट करता है, इसी वैक्यूम में से थोड़ा सा पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है और एक वैक्यूम ऑपरेटेड एक सिस्टम है, वैक्यूम ऑपरेटेड एक मैकेनिज्म है जो इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है पाइप के द्वारा, और ये मैकेनिज्म कनेक्टेड है ब्रेक के साथ।
तो जब मैं ब्रेक दबाऊंगा तो मेरा एफर्ट कम करने के लिए, जब मैं ब्रेक दबाऊंगा ना पैर से, तो मेरा एफर्ट कम करने के लिए उस इंजन के वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, उस मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए, जिससे कि मेरा ब्रेक काफी आसानी से नीचे दबता है। इस बात को और भी आसानी से समझोगे तो ऐसे बताऊंगा मैं आपको कि अगर इंजन बंद है आपकी कार का और आप ब्रेक दबा के देखोगे तो आपको पूरा पाम से, मतलब हाथ से ब्रेक दबा के देखोगे, आपको पूरा पाम से आपको फुल ताकत लगाकर ब्रेक दबाना पड़ेगा। वही ब्रेक आप इंजन स्टार्ट करोगे तो सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर से ब्रेक दबेगा, सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर, बहुत कम ताकत लगेगी। आपने कहा था ब्रेक लगेगा नहीं, ऐसा कहा था, इंजन बंद हो गया तो। हाँ, वही बोला। इससे क्या होता है कि जब इंजन चालू है, एग्जांपल बताओ, इंजन चालू है और आप ब्रेक दबाओगे तो आपकी पैर की ताकत प्लस वैक्यूम असिस्टेड मैकेनिज्म दोनों मिलकर ब्रेक को दबाएंगे ना, तो आपका चारों साइड में ब्रेक इफिशियंटली लगेंगे, चारों व्हील में। तो समझो एक सर्टन स्पीड में आपकी गाड़ी 10 फीट में जाके रुक गई, आपका 40 का स्पीड है तो 10 फीट में जाके गाड़ी रुक गई, कभी इंजन चालू है तभी। वही आपका इंजन बंद है और तब आप ब्रेक मारोगे तो वैक्यूम असिस्टेड सिस्टम काम नहीं करेगा, तब आपको पूरा आपका पैर का प्रेशर से ही ब्रेक दबाना है। लेकिन इस वक्त क्या है, आपको आदत है ना हल्का ब्रेक दबाने की, तब हल्का ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक उतना एफिशिएंटली नहीं लगेंगे, और आपको जब पता चलेगा ब्रेक नहीं लग रहा है तब आप उसको जोर से दबाओगे, तब तक वो जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो शायद 3 गुना ज्यादा होगा कंपेयर टू रेगुलर प्रेशर से। इंजन स्टार्ट होने का जो प्रेशर है उसके बाद इंजन बंद होने का प्रेशर है, 3 गुना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिससे आपका गाड़ी 20 से 25 फीट आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंजन बंद रहेगा तो ब्रेक जल्दी लगती नहीं है, बहुत कम लगती है ब्रेक, एफिशिएंसी कम हो जाता है, तो इसलिए इंजन को स्टार्ट रखो। आप अभी आप ढलान पे नीचे उतर, इंजन बंद हो गया तो फटाफट इंजन स्टार्ट कर दो, प्लस दबा दो, लेकिन इंजन को बंद मत कर, जो उसके पीछे का मकसद था मेरा बताने का, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक काम करेंगे, वैक्यूम असिस्टेड सिस्टम फेल हो जाएगा। ब्रेक लगाने के टाइम सर प्लस, हेलो, हां प्लस दबाएंगे आप, Okay. दबाएंगे आप, लेकिन ब्रेक का एफिशिएंसी नहीं रहेगा, उतना प्रेशर नहीं मिलेगा ब्रेक। ओके, आप अपना मोटरसाइकिल पे जो ब्रेक है ना, मोटरसाइकिल के ब्रेक आपके, तो मोटरसाइकिल पे आपके ब्रेक अगर केबल वाला है तो वो ब्रेक देखो कैसा लगता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक देखो, डिस्क ब्रेक, उतना एफिशिएंटली लगता है, उधर फर्क, ऐसा फर्क पड़ेगा सर। हाँ बोलिए सर। स्लोप पे गाड़ी चढ़ाना हो स्टॉप, तो उसका जो मैकेनिज्म रहता है, गियर थोड़ा छोड़ने, सॉरी क्लच थोड़ा छोड़ने का, और ब्रेक छोड़ के ये करना, वो थोड़ा ड्राइंग से समझा दीजिए ना। दिख रहा है क्या आपको बोर्ड, दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, ये देखिए, स्लोप के ऊपर एक गाड़ी इधर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, आपकी गाड़ी इसके बीच में है, ये आपका गाड़ी है। ओके, अभी क्या हुआ, ये गाड़ी रुका हुआ है, तो आपका भी गाड़ी रुका और ये भी गाड़ी रुका है, 3 कंट्रोल है आपके पास, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, राइट है, 3 कंट्रोल है। दिखने ये ड्राइंग थोड़ा कैमरा ऊपर करेंगे, अभी दिख रहा है। हाँ, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सेलरेटर ब्रेक के लिए हम राइट लेग का इस्तेमाल करते हैं, राइट लेग को उठा के इधर लाने का नहीं, और क्लच के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट लेग, तो लेफ्ट लेग उठा के इधर लाने का नहीं। अभी क्या हुआ, अभी आपने ब्रेक दबा के रखा हुआ है राइट लेग और क्लच दबा के रखा है, क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में रखना है गाड़ी को चलाते हैं। अभी क्या हुआ, ये जो गाड़ी है थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, एक 8-10 फीट आगे बढ़ा। अभी आपको भी आगे बढ़ना है, इसके पीछे पीछे हॉर्न मार रहा है, आपने फर्स्ट गियर डाला, अगर आप ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, बराबर। नॉर्मल क्या होता है, सीधे रोड के ऊपर क्या होता है, सीधे रोड पे ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे एक्ट करती है, उसके गाड़ी पीछे जाने की संभावना नहीं, लेकिन स्लोप पे गाड़ी ऐसे एक्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको पीछे खींच रहा है। मुझे क्या चाहिए, इस ग्रेविटेशन फोर्स को इनकाउंटर करना है, इससे मुझे ज्यादा फोर्स क्रिएट करके आगे बढ़ना है। जो दिक्कत मुझे लेवल ग्राउंड पे नहीं आती वो यहाँ पे आ रही है, कि नॉर्मल से मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए।
अभी मेरे पास क्या चीज है जो फोर्स को इंकाउंटर करेगी और फोर्स क्रिएट करेगी, तो इंजन है मेरे पास, ओके। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी पीछे आए, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने ब्रेक पकड़ के रखा तो क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी बंद पड़ेगा, ये भी दिक्कत है। अब मुझे ये करना है कि गाड़ी को पहले होल्ड करना है यहां पर और आगे बढ़ना है, फिर मैं क्या करूंगा, क्लच को पहले मैं ब्रेक को ऐसी पकड़ के रखूंगा, क्लच को छोड़ूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा था 1, 2 और 3, तो मैं क्लच को 2 तक छोड़ूंगा, 2 तक, हाफ क्लच। मैंने ब्रेक नहीं छोड़ा, मैंने पहले क्लच छोड़ा 2 तक। क्लच जैसे ही 2 तक आएगा, वैसे क्या होगा कि इंजन के साथ क्लच जुड़ेगा और वो क्लच को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्लच घूमेगा नहीं क्योंकि ब्रेक पकड़ के रखे मैंने, उसका क्लच घूमेगा नहीं, इसलिए इंजन पे लोड आएगा, इंजन वाइब्रेट करेगा, फील होगा आपको वाइब्रेशन। जैसे आपको पता चलता है कि आपका क्लच आधा जुड़ गया है, आप क्या करो, क्लच को उतर ही रखो, क्लच को अभी हाफ पकड़ के रखना है और ब्रेक को छोड़ देना है। ब्रेक को छोड़कर गाड़ी पीछे आना चाहिए, जरा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो आधा क्लच एंगेज है ना, वो गाड़ी को आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि गाड़ी को आगे बढ़ा पाए, सिर्फ गाड़ी को होल्ड कर रहा है। तो जो मेरा पहला मकसद था कि मेरा गाड़ी पीछे नहीं आना चाहिए, वो तो मिल गया मुझे, क्योंकि मेरा क्लच ने अभी ब्रेक का काम किया, गाड़ी को होल्ड करके रखा है। अभी क्लच आधा ही रखने का, ब्रेक छोड़ देने का और थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबा ले। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्लच को आधा छोड़ा, जिधर मेरा गाड़ी वाइब्रेशन फील हो रहा है मुझे, जिधर मुझे लगा कि यस वो तो एंगेज हो गया, उधर मैं ब्रेक छोड़ के हल्का एक्सेलरेटर दबाऊंगा मेरा, और क्लच को उधर ही रखना है, क्लच को नहीं छोड़ना, मेरा गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे मेरा गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर क्लच दबा के ब्रेक दबा के रुक जाऊंगा, अगर ये बढ़ चुका है तो मैं एक्सेलरेटर देके जैसे ही गाड़ी को मूवमेंट मिलेगा थोड़ा आगे आएगा, क्लच पूरा छोड़ दूंगा। कुछ आइडिया आ रहा है? ओके, अभी दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है और मेरे पास है हैंड ब्रेक, बराबर है। मेरा पैर किधर था? ब्रेक पे था, और एक मेरा पैर था क्लच पे, बराबर है। एक मेरा पैर क्लच पे था, एक मेरा पैर ब्रेक पे था। अभी मैं क्या करूंगा, हैंड ब्रेक खींचूंगा, जैसे मैं हैंड ब्रेक खींचूंगा मेरा पीछे का व्हील में ब्रेक लग जाएंगे और मैं ये इसको इजीली एकदम आराम से छोड़ दूंगा, अब मेरा गाड़ी पीछे जाएगा नहीं, और मेरा क्लच भी मैंने दबा के रखा, क्लच भी नहीं छोड़ा है मैंने, मैंने डायरेक्ट ब्रेक छोड़ दिया। अभी ब्रेक छोड़ने से क्या हुआ, गाड़ी पीछे जाना चाहिए था, नहीं जाएगा क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक खींच के रखा है। अभी मेरा एक पैर फ्री हो गया है राइट का, अभी मैं एक्सेलर दबाऊंगा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, जब मैं नॉर्मल एक्सेलर दबाता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा एक्सेलर दबाऊंगा और मैं क्लच को छोड़ूंगा, और क्लच छोड़ते छोड़ते मैं हैंड ब्रेक को भी रिलीज करूंगा। अभी जो पैर में मेरे कंट्रोल था वो मेरे हाथ में ले लिया मैंने, मेरा एक राइट हैंड मेरा स्टीयरिंग पे है, राइट हैंड मेरा स्टीयरिंग पे, लेफ्ट हैंड से मैं हैंड ब्रेक का बटन को दबा के धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ और क्लच छोड़ रहा हूँ, और एक्सेलरेटर दिया, इधर से मैंने एक्सेलरेटर दिया तो गाड़ी उभी जाएगा, आगे जाएगा। मतलब जो आपका पैर में कंट्रोल था वो आपने हाथ में ले लिया हैंड ब्रेक, ये एक तरीका है। आप दोनों को आजमा के देखो, ये हैंड ब्रेक वाला कभी काम आता है जब स्लोप काफी हाई ग्रेडियंट, ज्यादा हाई ग्रेडियंट है तभी काम आता है हैंड ब्रेक, लेकिन उस वक्त है ना आपको हैंड ब्रेक नीचे करना याद रहना चाहिए, पूरा हैंड ब्रेक नीचे करो जैसे गाड़ी आगे बढ़ता है, तो गाड़ी गर्म होकर इंजन खराब हो जाए। ओके, तो दो तरीके है, एक ये और दूसरा ये, क्लियर? यस सर, क्लियर, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, अगले टॉपिक में क्या होगा मैं भेजता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में आपको साइड में भेजता हूँ क्या होगा, मुझे आप आपके स्कूल वालों से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सर, नोट कीजिए प्लीज, थैंक यू तुषार, थैंक यू सर, कीजिए प्लीज, थैंक यू आनंद साउंड सर, थैंक यू वेरी मच, रिकॉर्ड करता था। Thank you.